द्वापर युद्ध की साक्षी कुरुक्षेत्र की भूमि से पानीपत के युद्ध की यादगिरी को ऐतिहासिक मुकाम मिलना जहां रोमांचकारी अनुभव है, वहीं पानीपत नगर को वैश्विक पहचान की एक और वजह प्रदान करना भी है। याद रहे कि पानीपत के तीनों युद्धों में 1761 की लड़ाई को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि पानीपत यह युद्ध हार कर भी जीत गया था। बेशक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर विजय पा ली थी, लेकिन मराठों ने अब्दाली को इस कदर दंतविहीन कर दिया था कि हमलावर की दिल्ली की सल्तनत पर झाँक कर देखने की भी हिम्मत न हो सकी थी। नतीजतन वह भारत से भाग खड़ा हुआ। बहरहाल यह युद्ध स्मारक ऐसी आधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा कि यहाँ आने वाले 1761 के युद्ध को वर्चुअली यानी वास्तविक अंदाज में होता महसूस कर सकेंगे। इसमें एक विशाल हॉल व ओपन थिएटर बनेगा जिसमें लाइट व साउंड सिस्टम की ऐसी व्यवस्था होगी कि दर्शकों को लगेगा कि वे 1761 में पहुंचकर युद्ध होता देख रहे हैं। हाईवे पर स्थित इस युद्ध स्मारक का लाभ सड़क से गुजरते यात्रियों को तो मिलेगा ही, बल्कि इतिहास के शोधार्थियों के लिए यह भी स्थान किसी शैक्षणिक संस्थान से कम नहीं होगा। 6 एकड़ में 45 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाला यह युद्ध स्मारक निश्चय ही पानीपत के लिए गर्व करने योग्य अनुभव है। पानीपत की लड़ाई से जुड़े म्यूजियम का भी शिलान्यास किया गया है। ये लड़ाई हमें देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सबक देती है और मैं मनोहरलाल जी को इस बात के लिए भी अभिनंदन देता हूं कि पानीपत की लड़ाई का जो रूप उन्होंने कल्पना की है वो एक प्रकार से सदियों पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरे देश ने कंधे से कंधा मिलाकर के कैसी लड़ाई लड़ी थी इसका वो जीता जागता सबूत है। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.